Journalist Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exam channel, and we are in our Geography series, and already हम complete कर चुके हैं अपना North America, and now it's turn to start with the South America. So we are covering the important facts and figures with every continent. So yes, let's start with our today's topic, that is the South America. तो चलिए start करते हैं. And जब भी बात आती है साउथ अमेरिका की, so yes, आप सब ने वर्ल्ड मैप में कभी ना कभी साउथ अमेरिका जरूर देखा होगा. एंड yes, उसी के अंदर हम सब जानते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप का कॉन्टिनेंट, सो दिस इज लाइक दिस मच, करेक्ट. सो अगर आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं जो यहाँ पे डाली गई है, दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप कॉन्टिनेंट, करेक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ अमेरिका, करेक्ट. स्ट्रेच है इसका लैटिट्यूड वाइज 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ. सो कुछ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है. टूवर्ड्स एट वेस्ट है क्या पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका इसके ऊपर है, एंड कैरिबियन सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट. वाई वी हैव पुट हियर द नॉर्थ अमेरिका टू द नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि देखिए ये रहा हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हमारा यहाँ कहीं आता है, डन. सो वी मेक सच डायरेक्शंस, तो ये रहा नॉर्थ एंड दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट. सो इस नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. So this was the thing, largest continent of the world with a smooth and inlet coastline. So चलिए हम जानेंगे पूरे लेक्चर में बाकी जो physical divisions as the same we have seen in the North America, similarly we'll be seeing here, correct. So South America 60 डिग्री मेरिडियन जो है वो उसको डिवाइड करती है लेंथ वाइज इंटू टू हाफ, मींस लेंथ वाइज मतलब ऐसे, डन. सो इफ दिस इज द साउथ अमेरिका तो लेंथ वाइज कौन सी, 60 डिग्री मेरिडियन. एंड बताने की जरूरत भी नहीं है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब ही क्या हो जाता है, दैट इज द लॉन्गिट्यूड, okay. So this is the thing, correct. So to the east compared to the North America and is closer to the Europe and Africa. South America is the fourth largest continent we know. At first we are having the Asia, at second we do have the Africa, third we are having our North America, and we are talking about the fourth continent, that is the South America, done. So after Asia, Africa and North America. So now if there is a comparison between the sizes, so it is the 2/3 of the size of the Africa. So जितना अफ्रीका का साइज है उसका 2/3 है, ठीक है, 2-3 हिस्सा. एंड इंडिया का कंपैरिजन किया जाए 6 times द साइज ऑफ इंडिया, में जितना इंडिया का हमारा साइज है भारत का उससे 6 गुना मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा है हमारा क्या साउथ अमेरिका. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कंपैरिजन आप कह सकते हो दोनों जगहों के बीच में किया गया है, करेक्ट. चलिए नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पैसिफिक जो फिजिकल फीचर, सो द फर्स्ट फीचर वी हैव टू सी इज द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप. नाउ बात कर रहे हैं हम पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की. सो जब बात पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की आ रही है, सो यस वी हैव टू सी समथिंग, करेक्ट. अब देखो कोस्टल स्ट्रिप है, दैट मीन्स कि कोस्टल एरिया अराउंड ओशन के आसपास या वैसे कुछ होना चाहिए, ठीक है. सो यस दैट इज द सेम थिंग. तो देखो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस वन सी दिस बिल्कुल नैरो. सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, डन. सो इट लाइज इन द वेस्ट, ठीक है, बिटवीन ओशन एंड द एंड. सो बेसिकली है क्या, ये रहा ओशन, ठीक है, यहाँ पे ओशन है, डन. लेट्स मेक दिस विद सम दिस कलर, ठीक है. देन वी आर हैविंग आर यहाँ पे साइड में एंडस माउंटेन्स है, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है. और बीच में हमारी क्या है, दिस इज आर द कोस्टल स्ट्रिप. कोस्टल स्ट्रिप कोस्टल एरिया आप समझ लिए इंडिया के केस में भी. सो ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखें, सो दीज आर द एंडस एंड्स माउंटेन, ठीक है, ये रहा ओशन, तो ये क्या है हमारा, दिस इज आवर पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, करेक्ट. सो द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द अटलांटिक वर्ल्ड, इट इज अबाउट 80 किलोमीटर्स वाइड, बट इन सम ऑफ इट एज नैरो एज द 8 मीटर्स. तो उसका जो डिफरेंस बताया गया है कि किसी किसी जगह पे तो ये 80 किलोमीटर की विड्थ में है, बट ये समटाइम कहीं कहीं इट इज ऑफ द 8 मीटर width. Coastline of South America is smooth and regular. At the river mouths, there are inlets that are used as the harbors. So इनका कहना है कि ऐसा. So इस चीज से मैं ये भी समझ में आ रहा है कि साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है, अच्छे हार्बर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट. बिकॉज वहाँ पे हमारे क्या कुछ इनलेट्स हैं जो हार्बर की तरह फंक्शन करते हैं. सो जो भी आप अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखेंगे, जो आपको दिस एक्सट्रीम लेफ्ट में जो येलो वाला लाइन दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर बेसिकली कोस्टल स्ट्रिप, ठीक है. Now the second physical feature is our Andes. Done. So these are the mountains. So stretches through the entire continent in length. तो देखो ये जो dark brown में दिख रहा है आपको, दस यहाँ से start हो रहा है and बिल्कुल देखिए South America के पूरे western उस पे पूरा last तक ये जा रहा है. So that is called as what the Andes mountain chain. So stretches through entire continent in length, running in a north to south direction from Isthmus of Panama to Strait of the Magellan. Mount Aconcagua is the extinct volcano, lies in the Argentina. This is very important. वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि Mount Aconcagua कहाँ देखने को मिलता है, so yes, it says in where, that is in Argentina. Mount Ojos del Salado is the highest active volcano in the world of Argentina's mountains, a part of 7 countries. कौन-कौन सी? We are in the Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile and Argentina. So yes, that is the fact related to the Andes Mountains. So yes, हम लोगों ने क्या cover कर लिया? We have seen the coastal one. ठीक है, हमने coastal का देख लिया. Now the next you also seen your Andes Mountains and the next is अगले देखेंगे हम कि कौन-कौन से हमारे पास बच रहे हैं. चलिए. Now next is the central lowland. So इस पे पढ़ने से पहले let's see this particular. इस particular map को आप देखिए. So this is the area. देखिए this and this. This is the Eastern Highlands, correct? उसके बाद का ये बीच वाला एरिया, this is the Central Lowlands, ठीक है? जो लेफ्ट में यहाँ पे Alpine System, and ये जो रहा हमारा Eastern Highlands, correct? So these are the basically features. आ जाइए. So Central Lowland क्या है? They are formed by the two great river systems, and वो systems कौन सी हैं? एक है Orinoco River, that Amazon Orinoco का जो बेसिन है कंबाइन, और दूसरा है Paraná Paraguay. So these are very two important what the river systems. So Amazon Orinoco and the Paraná Paraguay, correct? So जो Orinoco basin है has a dense tropical forest. Northern part is plain covered with the सवाना ग्रास, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस लनोस डन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाना ग्रास इन द साउथ अमेरिका इज कॉल्ड एज व्हाट, लनोस. ठीक है, लनोस कहाँ मिल पाए जाते हैं, दैट इज इन द साउथ अमेरिका. इक्वेटोरियल जंगल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज कॉल्ड द सेल्वास. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि कहाँ पे क्या कहा जाता है, जो सवाना ग्रास है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इज लनोस, एंड सिमिलरली जब बात करें इक्वेटोरियल जंगल की, दैट इज आवर सेल्वास. ठीक है, a typical tropical rain forest, rich temperate grasslands around the mouth of the Paraná Paraguay is called as the Pampas. At the source of these river is a region shrub forest called as the Gran Chaco. ठीक है, so ये आपके लिए important है. तो सवाना ग्रास को क्या कहा जाता है, लैनोस. इक्वेटोरियल जंगल tropical rain forest उसको क्या कहा जाता है, सेल्वास. Then we are having the what, temperate grasslands, उसको हम कहते हैं Pampas, और जो scrub forest है उसको हम क्या कहते हैं, Gran Chaco. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ नेम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ईस्टर्न आइलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज में, सो दिस इज द एरिया व्हेन वी आर कॉट ईस्टर्न आइलैंड्स. ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ ब्राजीलियन एंड द गुयाना हाइलैंड्स. ये रे गुयाना हाइलैंड्स, देखिए आई विल शो यू है, अगर आप ये देख रहे हो, दिस इज द गुयाना हाइलैंड्स. ठीक है, दिस इज द गुयाना हाइलैंड्स अलॉन्ग विद द पेंटागोनिया. These are plateaus made up of hard old rocks. River Amazon separates them from Guiana Highland to the north and the Brazil Highland to the south. So ये कौन जो river Amazon है, because you all know, ऐसा नहीं अपने Amazon river कभी नहीं सुनी होगी, this is the very famous river. तो यही जो क्या करती है, सेपरेट करती है इन दोनों को. गुयाना हाइलैंड जो है वो ऊपर है, ये रहा हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड इसके साउथ में हमारे पास क्या रह जाता है, दैट द ब्राजीलियन, ये रहा ब्राजील हमारा. सो ये हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द ब्राजीलियन Highlands. So कौन सेपरेट कर रहा है इनको, that is the river Amazon. So savanna grasslands of Brazilian highlands are the campos. ठीक है जी. So this was with the rest of physical features. Now कुछ और physical features देखिए, जो कि जब बात कर रहे हैं हम deserts की, सो पहले देखते हैं यहाँ पे. So this is the Sechura, Atacama, Mount Patagonian Desert. ठीक है. So Patagonian Desert, the largest desert by area located in where? That is in the Argentina. Argentina के अंदर located है ये. La Guajira Desert, that is a desert in the northern Colombia and some of the northwestern Venezuela. Atacama, a desert in Chile, the driest place on the earth. Sechura Desert, a desert located along a portion of the northwestern coast of South America. ठीक है, and the Mount Desert in Argentina, smaller desert above the Patagonian Desert. Correct. So these are the some of the important deserts which we do have in the South America. करेक्ट. सो वापस से देखो, सचुरा, एटाकामा, मॉन्ट एंड पेंटागोनियन. करेक्ट. सो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो देखो वेस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम में दिख रहे हैं. ठीक है जी. चलिए, ओके. सो चलिए, कभी आप ओशियोग्राफी के अंदर आपने जो वेस्टर्न पार्ट्स में हमें मैक्सिमम डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं, सो दिस इज द नेम ऑफ द इफेक्ट, डेसिकेशन इफेक्ट. आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा सो आपने ओशियोग्राफी में जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द अमेजॉन बेसिन, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन अगर हम देखें अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, सो ये जो आपको लाइट येलो कलर में पूरा एरिया दिख रहा है, दैट कम्स अंडर व्हाट, दैट इज द अमेजॉन बेसिन। सो इट्स लाइटली सेकंड टू द पार्ट ऑफ द नाइल रिवर ऑफ द अफ्रीका, ठीक है जी। तो सबसे लॉन्गेस्ट नाइल, तो उसके बाद कौन सी है हमारे पास, अमेजॉन वाला। So it has the largest flow of the water in the world by volume. It is largest, correct? By volume पूछा जाए, so yes, it is the Amazon. The river drains nearly 40% of the area of the South America. The major tributaries कौन-कौन सी पाई जाती हैं इसके अंदर? That is the Caquetá, Jurua, Madeira, and the Negro. ठीक है, so these are some of the important tributaries which we do find in the case of the Amazon. Next is the Rio de Plata basin. कौन सा? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, see, ये रहा Rio de Plata. So the basin is second in size to that of the Amazon. Means सबसे बड़ा कौन सा? That is the Amazon. Second में कौन सा आता? That is the Rio de Plata basin. So the main river which form the basin of Rio de Plata are the river Paraguay and the Paraná. ठीक है जी, and the river Uruguay. तो तीन rivers. Paraguay देखो, this is river Paraguay. ठीक है, this is Paraná and this is Uruguay. Paraná, ठीक है। देन सो ये जो रिवर्स है हमारी, सो इन्हीं के उससे क्या बनता है, सो बेसिकली ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, दिस वन। सो दिस इज द एरिया विच इज अंडर वाटर, दैट इज अंडर द रियो डी प्लाटा बेसिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ओरिनोको बेसिन। सो दिस इज द एरिया, ये देखो, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, इसके बीच का एरिया, दिस, ओके। So the word Orinoco means a place to paddle. That is a river where navigation is possible. In the north, Orinoco River passes through a zone called region of rapids, where there are enormous granite boulders. The world's highest waterfall, Angel, 979 meters का जो कि river Churun पे situated है, वो भी कहाँ पे है? इसी particular basin के अंदर रहता है. That is in the Orinoco बेसिन, ठीक है। सो दीज आर द, क्या क्या बोला इसमें, प्लेस टू पेडल, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है, और इनोको का मतलब है ये। देन पासेस थ्रू अ जोन कॉल्ड रीजन ऑफ रैपिड्स, ग्रेनाइट बोल्डर्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल है वो भी यहीं पे, रिवर चुरुन के ऊपर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कैरोनी, विच इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको। सो ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, एंड कैरोनी की जो आगे ट्रिब्यूटरी है दैट इज व्हाट, दैट इज द चुरुन। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन्स व्हिच डू हैव इन द केस ऑफ आवर South America. Okay, now let's see some of the particularly rivers देख लीजिए, because maximum names आपके लिए important होते हैं। So this is Orinoco, ठीक है। Then we are having this Guaviran, Wasp, Putumayo, Amazon, see Amazon, Amazon, correct? Then we have the Negro, Purus, ये रहा Jurue, ठीक है। Then we have the Madeira, ठीक है। So similarly we'll be having rest of okay, wait, कहाँ गया, this is important, Salado, Colorado, Negro, Uruguay, Paraná, Paraguay, Sao Francisco, ठीक है। तो these are some of the important क्या हमें जो rivers देखने को मिलते हैं when we talk about the South America. Then we got some lakes, तो पहला lake का नाम है Lake Maracaibo, ठीक है जी, वेनेजुएला के नॉर्थ में रहता है ये, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, लार्जेस्ट लेक ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लेक है साउथ अमेरिका, दैट इज द लेक मार्काइबो। देन लेक टिटिकाका, आपने बहुत बार सुना है इसके बारे में, सो सिचुएटेड बिटवीन द बोलिविया एंड पेरू, एंड दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो लेक टिटिकाका के साथ आपको याद रखना है, दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। देन वी हैव द लेक पोपो, lies in the Altiplano, high plateau between the Andes mountain chain and Bolivia. Then Galapagos Island, home of any unique species of reptiles, birds and fishes, so that is also here. Then कुछ और physical features जो हमारे बच रहे थे, that is the Pantanal wetlands, तो देखो ये रहा हमारा region Pantanal, ये रहा बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे, तो उसके बीच में क्या है हमारे पास, Pantanal wetlands, correct? So it is the world's largest tropical wetland, sprawls across the South American countries, कहाँ कहाँ, Bolivia, Brazil, Paraguay, supports millions of people there as well as communities in the lower Rio de la Plata basin. So the Pantanal derives its name from कहाँ से, Portuguese word से निकला, that is the swamp. तो Pantanal wetlands अगर आप देखोगे basis, तो ये भी इनका पार्क का swampy characteristics हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए Pantanal wetlands कहाँ located है, that is the South America, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन मिलती है हमें क्रोकोडाइल्स की। ना सम अदर फैक्ट्स. लिथियम ट्राइंगल हम बहुत बार सुनते हैं. सो लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से कंट्रीज है. सो सी दिस इज बोलिविया, दिस इज चिले एंड दिस इज अर्जेंटीना. करेक्ट. तो इन दोनों को तीनों को जो मिला के हमारे पास बनता है वी गॉट व्हाट अ लिथियम ट्राइंगल. सो हाई क्वालिटी सॉल्ट फ्लैट्स सलार डी उयूनी इन बोलिविया, सलार डी अटाकामा एंड चिले एंड सलार डी एरिजारो इन अर्जेंटीना. इन्हीं तीन जगहों से उसमें 40% ऑफ द ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं. दैट्स व्हाई इसी पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से वी कॉल दिस पर्टिकुलर एरिया एज द लिथियम ट्राइंगल. एंड इन द लास्ट विल बी स्टडिंग अबाउट की कौन कौन सी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है. सो यस अगर आप देखोगे सो इफ वी टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल तो देखो इक्वेटोरियल वाला पोर्शन है दिस वन. ठीक है. देन वी गॉट द डेजर्ट येलो में जो आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे. Then this particular part that is are the deserts. ठीक है. Blue में भी got a tundra. So yes maximum अगर आप देखोगे हर तरह की कुछ कुछ जो हमारी डेफिनेशन जो वो है हमें देखने को मिलती है. ठीक है. जैसे सवानाज हैं या नॉर्मली हमने पहले देखा टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. सो ईच टाइप ऑफ वेजिटेशन विच वी हैव टू लाइक जो हमें साउथ अमेरिका में देखने को जरूर मिलती है. करेक्ट. सो दैट वाज ऑल विद द साउथ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. एंड वंस अगेन जैसे मैं नॉर्थ अमेरिका में भी आपको बताया था सो द बेस्ट पार्ट यू हैव टू रेफर व्हाट दैट इज योर एटलस डन. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू दिस फॉर. So that's all for this particular lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं.